अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी मैं भी खैरियत से हूँ। अच्छा जी, तो ऐसी बात है, पहले तो ये कि आज मौसम बड़ा मज़ेदार हो रहा है, बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। ओके अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस बना रही हूँ। एग फ्राइड राइस जो है, क्योंकि क्योंकि जी मैं हूँ मलेशिया में, तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ की फेवरेट डिश जो है सबसे ज़्यादा खाई जाती है वो नासिक गोरिंग है। नासिक गोरिंग मतलब एग फ्राइड राइस होते हैं जो कि मलेशियन स्टाइल में बनते हैं, तो आज मैं वो बना रही हूँ। मैंने कहा चलें आपको दिखाते हैं कि कैसे बनते हैं। पहले तो मैंने जो छोटे साइज़ का ग्लास होता है लाइक दैट, ये लिए हैं मैंने। दो छोटे छोटे से ग्लास हैं वो लिए हैं चावल के। इसको मैं धो लेती हूँ, फिर आपको बाकी दिखाती हूँ क्या आगे क्या करना है। अच्छी तरह से जो है वो इसको धो लेंगे, सारा गंदा पानी जो है इसकी गंदगी बाहर निकालनी है। ठीक है जी, इसको धो लेते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो अब जैसे चावल हम नॉर्मली जिसे बॉईल करते हैं, तो ये चावलों में मैंने पानी डाल लिया ऊपर तक। अब जब ये बॉईल हो जाएंगे तो पानी फेंक कर जिसकी पिच होती है वो फेंक देंगे। उसके बाद मैं आपको फर्दर बताती हूँ कि इसमें क्या क्या डलेगा। जो राइस थे वो ना जी, तो जो राइस थे वो बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने लिए हैं ये तीन लाल मिर्ची, जो सूखी मिर्ची होती हैं वो, और ये दो ग्रीन चिली चाहिए। अब इनकी डंडियाँ उतार कर ऊपर से हमने इनको करना है मैश करना है इनका। हमने जो है वो बिल्कुल ही पीस लेना है। उसके अलावा ना इसमें ऐड करने हैं अनियंस, एक अनियन ले लें आप, और तीन चार जो है ना इसके स्लाइसेस ले लें आप गार्लिक के, इनको भी आपने इसमें पीसना है। व्हाट अच्छा जी, जो मिर्ची थी वो मैंने पीस ली है इसमें। ठीक है जी, उसके अलावा इसमें हम लोग प्याज काटेंगे, प्याज डालेंगे। प्याज जो है वो एक ही लेना है आपने और ऐसे काट लेना जैसे नॉर्मली हम काटते हैं किसी इसमें डालने के लिए सालनियाँ चावलों में। उसके अलावा ये गार्लिक की मैंने तीन से चार स्लाइस लेनी है, उसको भी मैंने पतला पतला करके जो है वो काट लिए। अच्छा जी, जो चावल है ना उनको आपने ना फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए कि ठंडे हो जाएंगे। मेरे जुगाड़ है टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया, तो इनको जो है आपने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद जो है वो चावल बनाना है। तब तक मैं ये दम डाला मैंने, मैं इसे मेड दी। अच्छा जी, उसमें है ना इसमें ऑयल डालना है और तीन अंडे जो है वो आपने फ्राई कर लेना है इसमें, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली एग फ्राइड राइस है वो एग भी डालेंगे। अच्छा जी, तो अब जो है 300 डाल दिए हैं मैंने इसमें और इसको हम लोग कर लेंगे फ्राई। 100 को फ्राई करके ना निकाल लेना है प्लेट में, और बाकी का जो मसाला है वो तैयार करना है। ठीक है जी,
तीन अंडे ले लिए थे, अब जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, उसको हम लोग प्लेट में निकाल लेंगे अलग से। बाकी मसाला जब मैं बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मसाले में क्या क्या ऐड करती हूँ। जी तो कुकिंग करते करते मेरे हाउसमेट आ गए थे दो, तो उन्होंने कहा लाओ हम बना देते हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, मलेशियन हैं दोनों, तो मुझसे रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी, वीडियो नहीं बन रही थी। खाना और कुकिंग करना और रिकॉर्डिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया और उन्होंने खाना बनाया। तो इसमें सबसे पहले आपने ऑयल डाल लेना है, खुला बर्तन हो, ज़्यादा कोई तंग छोटा सा बर्तन हो, खुला खुला सा बर्तन हो, उसमें आपने ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद आपने जो अनियन और गार्लिक लेना है वो इसमें आपने डाल देना है, और इसको हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, जलाना नहीं है। जैसे हम नॉर्मली भूनते हैं ना, बहुत ज़्यादा हम लोग ब्राउन सा रखते हैं चावलों के लिए या सालन के लिए, वैसा नहीं रखना आपने, इसको बिल्कुल लाइट सा ब्राउन रखना है। इसमें ऑयल थोड़ा सा और डाल देंगे, ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, और इसको अच्छी तरह से भून लेना है थोड़ा सा। जो मेरे हाउस मेट्स हैं वो बहुत हेल्पिंग है, बहुत हेल्प करते हैं वो, जब कुछ देख रहे हो ना कि कुछ हो ना रहा हो या कोई प्रॉब्लम है तो वो हमेशा साथ देते हैं। हाउसमेट्स भी आपको और नेबर्स और हाउसमेट आपको बड़ी किस्मत से मिलते हैं अच्छे, वरना तो बहुत मुश्किल है आज के दौर में। खैर उसके बाद आप जो आपने जो मिर्चें इसमें पीसी हुई हैं, चिलीज़ वगैरह रेड और ग्रीन, आपने वो डाल लेनी है इसमें। ये मेरा ख्याल है एक चम्मच के बराबर बना था, हाँ जी, तो आपने ये डाल लेना है इसमें, और इसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेना है। जी थोड़ा सा भुनने के बाद आप देखें सब कुछ, मतलब जो अनियन वगैरह हैं वो वाइट ही हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं हुए। उसके बाद ये एक मसाला मिलता है पैकेट में होता है, ये नासी गोरिंग के लिए स्पेशल होता है ये, तो आपने ये पैकेट डालना है। अगर पता नहीं ये पाकिस्तान से मिलता है या नहीं मिलता, या मे भी मिल जाए तो ये ईजीली वैसे मिल जाता है। इसका नाम है नासी गोरिंग कम्पुंग, तो ये जो मसाला है ये इसमें डालना है आपने, और उसके बाद आपने उसमें जो आपने चावल ठंडे करने के लिए रखे थे चावल डाल देने हैं, बॉयल राइस भी होते हैं वो डालकर आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये ऑलमोस्ट जो है वो बन चुके हैं, थोड़ा सा इसको हम हल्के से मतलब आँच पर इसको पकाएंगे थोड़ा सा, बिल्कुल। जी तो थोड़ा सा पकाने के बाद हम जो है इसमें डाल देंगे जो हमने एग फ्राई किए थे तीन, हम इसमें वो डाल देंगे, और उसके साथ ही साथ जो एग है ना वो सबसे एंड पर डालने हैं आपने, और उसके साथ आपने थोड़ा सा नमक डालना है, सॉल्ट डालना है थोड़ा सा आपने, और एक और इसमें ना वो नमक की तरह ही टाटरी सी होती है कुछ, तो थोड़ी सी बिल्कुल ना वो डालनी है आपने इसमें, और थोड़ा सा इसको और पकाना है। इसके बाद ये तैयार हैं बिल्कुल। जी तो एग फ्राइड राइस जो है नासी गोरिंग वो रेडी हो चुके हैं। ये रहे मेरे हाउसमेट्स दोनों, रोज़ी और फिजी, तो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है अब खाने की। टेस्टिंग हो रही है बल्कि कि कैसा बना है खाना। बाकी ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, फाइनल रिज़ल्ट है इनका। बाकी जो है आप भी इसको घर में बनाइए, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको, बहुत अच्छे सिंपल और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत टेस्ट में बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। तो जब कुछ समझ ना आ रहा हो घर में बनाने को तो ये इजीली मतलब क्विकली बन जाते हैं। तो ये रहे नासी गोरिंग, तो काइंडली आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कैसे लगे आपको। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। खाना तो बन गया है, अभी सारा जो मैस क्रिएट किया हुआ है मुझे साफ़ करना है। ओके जी, बाय बाय।